दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट जब तक आप नहीं देखें तब तक ना तो इस पे लाइक करें और ना ही कोई कमेंट करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़कर लाइक या कमेंट में अपने विचार बताएंगे तो हो सकता है आपको वीडियो का मतलब समझ ही ना आए। देखिए, अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो पहले देखें, आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया में दिनों दिन एक नए नए YouTube चैनल अलग अलग कैटेगरी के क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी YouTube चैनल हैं जिनको बच्चे चला रहे हैं, यानी कि कोई 8वीं में पढ़ रहा है, कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में पढ़ रहा है। उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाइयों, आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है वो यार खून में होती है और बचपन से ही आ जाती है, उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे यंगस्टर से बात की है फोन पे जो ये कहते हैं कि अब हमारा पढ़ाई में सर मन ही नहीं लगता है, पढ़ाई करना बिल्कुल बेकार लगता है और हम YouTube से पैसे कमा के ग्रो करना चाहते हैं। देखो उसने ग्रो कर लिया, उसने कर लिया, वो लाखों कमा रहा है, और सर मैं 12वीं पढ़ता हूँ, एक 11वीं का लड़का लाखों कमा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, सबका काम एक जैसा नहीं चलता है। अब बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं डीमोटिवेट कर रहा हूं कि आप चैनल मत बनाइए, मैं कह रहा हूं चैनल बनाइए, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लाइए, लेकिन अपना एक टाइम शेड्यूल जरूर बनाइए। यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो मेन जिंदगी का आधार है वो पढ़ाई है, क्योंकि यार यूट्यूब का कुछ पता नहीं है, अब है कल क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन पढ़ाई आपके एक आधार है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपके सामने काफी अपॉर्चुनिटीज होगी। और एक चीज और बता दूं, पढ़ाई हमेशा कमाई के लिए नहीं की जाती, खुद के मानसिक स्तर को ग्रो करने के लिए की जाती है। पढ़ाई से हमारा मानसिक स्तर बढ़ता है, तो आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। मैंने भी अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है, उसके बाद यूट्यूब चैनल बनाया है। अब वो अलग बात है, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर आप जब पढ़ाई कर रहे थे यूट्यूब चैनल उस टाइम नहीं बनते थे, ये बात भी सही है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं 8वीं में 9वीं में 10वीं में 11वीं में 12वीं में, या आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, आप यूट्यूब चैनल बनाइए, लेकिन अपना टाइम रखिए, मुझे 2 घंटे यूट्यूब पे काम करना है, 3 घंटे करना है, एक फिक्स शेड्यूल बनाइए, उसके हिसाब से यूट्यूब पे वीडियो डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि यार ये बहुत ही सीरियस मैटर था और मुझे लगा कि हमारा देश के जो भविष्य है, आर यूथ जो कि स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस तरह करेंगे कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बस वो पैसे कमाने में चल पड़ेंगे, वैसे भी मैं आपको बता दूं 8वीं क्लास 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ यार खेलने कूदने पढ़ने की होती है, कमाने की नहीं होती। लेकिन हाँ, ये हो सकता है किसी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो या कोई सिचुएशन बन रही हो कि उसे पैसे भी कमाना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे भी पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। हालांकि मैं काम भी करता था, मतलब मैं पैसे भी कमाता था अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन एक शेड्यूल में मैं अपनी पढ़ाई जरूर करता था। बस इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, यूट्यूब चैनल जिसको भी बनाना है अगर वो पढ़ रहा है तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट हो गई है तो आपको लगता है कि कोई बच्चा आपकी नजर में है या आपके घर में कोई ऐसा कर रहा है, तो उसको भी आप यही एडवाइस दें कि पढ़ाई पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही यूट्यूब को सीरियस लेना है। अदरवाइज 2-3 घंटे आप शेड्यूल बनाइए और अपने YouTube चैनल पे काम करते रहिए। तो यार ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी सभी के लिए, इस वीडियो को ज्यादातर जितना हो सके शेयर करो ताकि पूरे इंडिया में ये अच्छा मैसेज जा सके और हमारा जो यूथ है वो एक सही दिशा में जा सके और हमारा भारत देश भी आगे बढ़ सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं, आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।